उसे मार दोगे। दूसरे में लिखा है बच्चा मर गया। सच में शर्म आनी चाहिए निकू के अंदर। कहीं ना कहीं तो वो मेंटल प्रेशराइज होता ही है, जब वो देखता है तो वैसे वो थॉट लेता है, उनको गालियां दे रहे हो लोग। जितनी भी डिसऑनेस्टी आप कर रहे हो और ये करना सरासर गलत। यार वो बच्चे कहाँ है मुझे दिख नहीं रहे। मेरे घर में बहुत ही बुरा लगता है ये सुनकर और ये देखकर कि दो औरतें एक बहुत ही खूबसूरत फेस को जी रही हैं, लेकिन जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं उन्हें नाखुश कर रही है ऐसी चीजें कर जो आपको भी हैरान और परेशान कर देगी। मतलब आज मैं इनसे बात करने आई, हमने पूरा दिन इनके साथ बिताया, इनके मैटर्निटी स्टेज के बारे में जाना, मूड स्विंग्स के बारे में जाना, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जाना, लेकिन उसी बीच फोन टिंग 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 कर रहा था, नोटिफिकेशन आ रहा था, क्योंकि आपको भी पता है इनकी मैरिजेस चर्चा में है, इनके मदरहुड चर्चा में है, तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट इनकी फैमिली का है कि ज्यादा ये इंटरव्यू नहीं देते, मीडिया के पास नहीं जाते और कुछ खास लोगों को ये इंटरव्यू देते हैं, मेरे से काफी अच्छे इनके रिलेशन है। और उसी बीच इन्होंने मुझे ये मैसेजेस दिखाए जो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ आ रहे थे। मतलब अगर आप हेडलाइन में आपको बताऊं, थंबनेल में आपको बताऊं, तो आप सोचेंगे कि इंसानियत खत्म हो गई है क्या? कुछ व्यूज, कुछ नंबर की वजह से आप क्या जो अभी दुनिया में बच्चा आया नहीं है उसे मार दोगे? क्या उसके लिए आप भद्दी चीजें लिखोगे? मतलब अभी भी मैं आपको बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और ये इनके साथ हो रहा है इस स्टेज पर। मैं सबसे पहले तो ये आपको ये थंबनेल बता दूं कि देखिए थंबनेल में रोते, मतलब अरमान की फोटो लगाई है, कृतिका की फोटो लगाई है कि वो रो रहे हैं, और थंबनेल में इनके चेहरे पर एक डायलॉग दिया है, लिखा है दोनों बच्चे मर गए, देख लो लाइव। मतलब एक फैमिली जो बहुत ही खूबसूरत पल को जीने वाली है, उसके लिए अगर आप ऐसी चीज लिखोगे तो देखिए कर्मा है, आप जिस जैसा लिखोगे जैसा बोगे आपको भी वही आपको रिटर्न वो चीज आएगी। तो ये सब मत करिए, फेक न्यूज बंद करिए। आप इनके व्लॉग्स देखते हैं, आप व्लॉग्स के छोटे छोटे क्लिप काट के इतनी गलत न्यूज फैला रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। फैमिली इतनी अच्छी है कि ये लोग स्ट्राइक बैक नहीं करते, ये कुछ नहीं बोलते, लेकिन आज हद पार हो चुकी है, इसीलिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। कृतिका आपसे शुरू करती हूँ, ये इतने गंदे कमेंट्स कुछ छोटे मोटे व्यूज के लिए, चंद पैसों के लिए? जी बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों की वीडियोस डालते हैं, पर हम लोग देखते हैं तो उसको एज अ फन ऑफ एंटरटेनमेंट ले लेते हैं कि चलो लोग हमारे शॉर्ट्स डाल रहे हैं, लोग कमा रहे हैं हमारे थ्रू, कोई बात नहीं कमाने दो, बट कमाने के लिए आप इस हद तक जा रहे हो ये बहुत गलत बात है। मतलब जो बच्चा दुनिया में आया भी नहीं है, हम उसके लिए दिन रात भगवान जी से प्रे करती हूँ कि मेरे तीनों बच्चे सही सलामत आए दुनिया में। मतलब ये बात बोलते बोलते भी मुझे रोना आ रहा है अंदर से कि लोग ये चीजें कैसे लिख सकते हैं कि जिसके लिए हमने इतनी साल मतलब शादी की, मेरे 5 साल हो गए, 5 साल बाद मुझे खुशी मिली है, पायल की एक ट्यूब है, उसके बाद हमने IVF के थ्रू गए, हम उस जर्नी के थ्रू गए, हमारा पहला IVF फेल हुआ, फिर हमने हिम्मत जुड़ा के दूसरा IVF कराया और उसके बाद ये जो हैप्पी न्यूज है पायल को मिली, और उसके बाद ये लोग लिख रहे हैं, आपकी इंसानियत कहाँ है? आप कैसे लिख सकते हो किसी के बारे में? हम लोग सोच भी नहीं सकते और आप लिख रहे हो, और सिर्फ व्यूज के लिए, पैसों के लिए। पायल एक थंबनेल में आपके लिए लिखा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा हो गया है, दूसरे में लिखा है बच्चा मर गया। मैं वही सोच रही हूँ कि मतलब आप लोगों को इतना, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना टाइम है कि आप कुछ भी बकवास लिख देते हो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए, कि व्यूज आ जाएंगे, 2 पैसे आ जाएंगे, लेकिन वो लिखने से पहले आप सोचो वो अगर जो चीज है वो हम में से कोई पढ़ रहा है या हमारे फैंस भी पढ़ रहे हैं तो वो कितने आपको गालियां देंगे। और अगर आप देखोगे ना तो इन वीडियोज में बहुत सारी गालियां पढ़ रही है, ऑलरेडी पढ़ रही है लोगों को, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ हम लोग नहीं है, 10 मिलियन लोग हैं जो हमारी प्रेगनेंसी को लेके बहुत ज्यादा खुश है और हमारे बच्चों, आने वाले बच्चों को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो आप कुछ भी लिख रहे हो। और एक और है इसमें थंबनेल में, अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद, जिसमें कृतिका के साथ जो मिस हैपनिंग हुई थी हैदराबाद में, उसकी छोटी छोटी क्लिप्स निकाल के और उसको दिखा के, ये है एक थंबनेल, ये है इसमें, मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है। कृतिका मलिक की हो रही है डिलीवरी, अब नहीं रहा गोलू का बच्चा। तो ये मैंने पूरी वीडियो देखी है, इस वीडियो में क्या दिखा रखा है कि जब कृतिका का 4 मंथ मिसकैरेज हो गया था ड्यू टू लीकेज ऑफ माई वाटर बैग, देन मैं हैदराबाद में थी उस टाइम, हमने नए नए ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया था और ये वीडियो तब की है, तो आप उसकी एडिटिंग करके ये चीजें अब लिख रहे हो। भाई सच में शर्म आनी चाहिए इंसान जो ऐसी वीडियोज बना रहे कि ये चीज अगर हम पढ़ेंगे, क्योंकि मांग जी ने हमेशा एक चीज सिखाई है हमें कि तुम हमेशा पॉजिटिव बोलो, अच्छी बातें बोलो, अगर अच्छा बोलोगे लाइफ में तो अच्छा होगा, और जो आप बोलते हो ना कुदरत वो सुनती है और वो होता है, तो अपने मुंह से कभी गलत निकालना ही नहीं चाहिए। हम लोगों ने ये
सीख है अपनी लाइफ में, तो आप लोग इतनी गलत गलत चीजें लिख रहे हो, आपको देख के आप मानोगे, हमें इतने कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब मेरे जो नोन है रिलेटिव्स है जिनसे मेरी बात नहीं होती है, जब वो मेरे को सिर्फ देखते हैं तो उनके तक फोन आ गए कि क्या हो गया, आपकी डिलीवरी हो गई, आपके साथ मिस हैपनिंग हो गई, और अभी अभी रिसेंटली हमारा बेबी शावर हुआ है, हम लोग इतनी सारी हमने खुशियां मनाई है और लोग हमें कॉल्स कर रहे हैं, हमें उन चीजों का फेस करना पड़ रहा है, मतलब इस फेस में बोलते हैं ना लोग पूजा पाठ करो, अच्छी चीजें सुनो, तो ये सब चीजें हम सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमें इफेक्ट कर रहा है। अब ये न्यूज के चलते ही सुबह सुबह का वाक्य आपको बताती हूँ मैं। सुबह चीकू को जब मैं स्कूल भेजा, उसके बाद आज सुबह की बात है उसको स्कूल भेजा, मेरा बेल बजी, मैंने गेट खोला और हमारे जो नेबर्स थे वो बाहर खड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला कंग्रेचुलेशन लड़का हुआ है, तो मैंने कहा नहीं नहीं अंकल अभी तो लड़का, अभी तो मेरा 7 मंथ चल रहा है, अभी कैसे, कह रहे न्यूज आ रही है, मैंने कहा अंकल सारी फेक न्यूज है, मतलब क्योंकि हम लोग ज्यादा बाहर जाते ही नहीं है, घर के अंदर ही हमारा जो भी व्लॉग शूट होता है, जो भी कुछ करते हैं हम घर के अंदर करते हैं, अगर कहीं जाना है तो बस नीचे उतरे, लिफ्ट से गाड़ी में बैठे और वापस घर गाड़ी से, तो इनको इवन इनको भी ऐसा लगा कि हमारी डिलीवरी हो गई है, तो आप लोगों को खुद सोचना चाहिए, 7 मंथ और 8 मंथ तो इतना प्रीशियस होता है कि इसमें डिलीवरी होनी ही नहीं चाहिए, प्री मेच्योर बेबी बोलते हैं, और 8 मंथ को तो मुझे एक आंटी ने बोला कि बेटा बोलना ही नहीं चाहिए, 8 मंथ को आप अनगिनत बोलते हैं, आप बोलो ही मत, क्योंकि बोला जाता है कि 8वें महीने में बच्चा जो होता है अगर उसने जन्म लिया तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं बच्चे के सर्वाइव होने के, और 7th मंथ के बच्चे को बोलते हैं प्री मेच्योर, जो कि बच्चा रहता है निकू के अंदर बहुत टाइम तक और वो तब स्टेबल होता है, तो ये चीजें तो बोलनी ही नहीं चाहिए इंसान को। कि अभी मैंने भी एक और वीडियो देखी थी किसमें आ रहा था पायल मलिक की 7 मंथ में डिलीवरी हो गई, आप कैसे बोल सकते हो कि डिलीवरी हो गई, मैं चाहती हूँ कि इसकी पूरे जो टाइम बेबी को चाहिए होता है 39-40 वीक्स उसके बाद ही डिलीवरी हो, तो ये चीजें आप दिमाग में कैसे ला सकते हो। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में क्या है, मेरी प्रेगनेंसी में हर 3 वीक्स में जो है मेरे अल्ट्रासाउंड होते हैं, बिकॉज ऑफ दोनों बेबीज को अच्छे से चेक किया जाता है कि दोनों जो है दोनों को सही न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दोनों का वेट जो है वो सही से गेन हो रहा है नहीं हो रहा है। वो ऐसा होता है कि ट्विन्स बेबी में ना जब मदर खाना खाती है तो एक बच्चा हेल्दी होता है, एक थोड़ा कमजोर होता है, तो जो डॉक्टर है हमारी वो मॉनिटर कर रही है दोनों बेबीज को कि दोनों बेबीज का जो वेट है इक्वल है कि नहीं है, और ट्विन प्रेगनेंसी कोई मजाक नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी मजाक नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी हर एक लेडी की होती है, ट्विन प्रेगनेंसी 100 में से 5% औरतों की होती है, तो एक प्रेशर एक 3 किलो का बच्चा संभालना और 3-3 किलो के 2 बच्चे संभालना 6 किलो डबल प्रेशर, तो बंदा इतनी सारी चीजें मेंटेन कर रहा है, अपने आप को वीडियोस बना रहा है, ऊपर से ये न्यूज सुनेगा तो कहीं ना कहीं तो वो मेंटल प्रेशराइज होता ही है। क्या होता है ना कि चलो मैं एक बार को ना भी इसके बारे में सोचूं, हाँ, अपने आप पर क्या होता है थॉट दोबारा दिमाग में आ जाता है कि यार क्या था वो न्यूज, हाँ, कि क्या था, एक एक चीज जो होती है ना, मतलब अगर 99% आप पॉजिटिव हो और एक चीज नेगेटिव हो जाए तो वो नेगेटिव चीज जो है वो आप ज्यादा सोचोगे, पॉजिटिव आपकी वो रह जाएगी। और एक चीज और होती है, जब इंसान ये सोचता है ना तो कहीं ना ये वीडियो जरूर देखता है अकेले में बैठकर, उसका जो दिल है ना अंदर से हर एक इंसान का ऐसा होता है, अगर उसके बारे में कोई कुछ बोल रहा है तो उसके अंदर एक माइंड में एक कीड़ा रहता है कि यार क्या है वीडियो में मुझे देखना है, तो जब वो देखता है तो वैसे वो थॉट लेता है, और इस टाइम पे ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए। सबसे शॉकिंग बात मुझे जो परेशान कर रही है कि आप लोगों ने अपने ब्लॉग्स में कुछ नहीं छुपाया, अपनी निजी जिंदगी से कुछ नहीं छुपाया, मैरिज नहीं छुपाया, कॉन्ट्रोवर्सी नहीं छुपाया, सुसाइड तक की जो बात होती वो नहीं छुपाया, अभी भी जिस फेज में आप इतना मुश्किल होता है फिर भी आप कंसिस्टेंटली वीडियोस बना रहे, ऑडियंस तक पहुंचा रहे, आप कैसा फील कर रहे हैं, फिर भी इतना फेकनेस लाना, उसको छोटी छोटी क्लिप्स बारीकी से काट कर ये दिखा देना जबकि वीडियो के अंदर कुछ नहीं है, ऑडियंस से इतना ऑनेस्ट होने के बाद जब आपको रिटर्न में ये मिल रहा है, ये कुछ चंद लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, हमारी जो पब्लिक है जो हमें प्यार करती है, हमें रोज कमेंट्स पढ़ देती है, हम उनके कमेंट्स रीड भी करते हैं, बट कुछ चंद लोग हैं जो हमें नहीं पता वो दुनिया में कौन है, बट वो लोग हैं जो बुरा सोचते हैं, शायद उनके साथ ऐसे लोग जुड़े होंगे जो उनके सर्कल में होंगे कि वो ऐसा सोचते हो, क्योंकि हमारी तो मेंटेलिटी नहीं है ऐसी, ना हमें ऐसी सीख मिली है कि किसी के लिए बुरा सोचो, ना हमारे पास टाइम है। पर मुझे खुशी इस चीज की होती है कि जब मैं वो वीडियोस के कमेंट्स देखती हूँ ना, तो वहां से मुझे खुशी होती है कि लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं, हमारी जो YouTube फैमिली इतनी बड़ी, वो उन्हें वहां जाके बोलते हैं, गालियां देते हैं कि मतलब, तो मुझे इस चीज की खुशी होती है कि जो तुम काम कर रहे हो ना उसका फल तुम्हें ऑन द स्पॉट मिल रहा है। ये तो आपका बड़प्पन है कि इतने नेगेटिव में भी आपने पॉजिटिव ढूंढ लिया जी। चलिए, तो उम्मीद करेंगे ये जितने भी लोग हैं
हम साइड में ये जितने भी थंबनेल है मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के साइड में लगे और आपको किसी फैमिली को नुकसान पहुंचा रहे हो जो इतने प्यारे फेस से गुजर रहा है ऐसा मत करिए, क्योंकि इनके ब्लॉग्स में आपको हर एक सेकंड की चीज़ ये छोटी छोटी डिटेल्स बताते हैं कैसा फील हो रहा है, कब डिलीवरी है, कब ड्यू डेट है। तो ये सब चीज़ करना आप इन्हें हर्ट कर रहे हैं और ये करना सरासर गलत। तो बस जाते जाते यही बोलना चाहूंगी कि अब ऐसी फेक न्यूज जो है आप मत बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर्ट होता है। और आप, मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ मुझे हर एक पल ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए। जैसे कल रात को भी मैं 3:30 बजे हॉस्पिटल गई हूँ क्योंकि मुझे राइट साइड पे लोअर एब्डोमिन में दर्द हो रहा था। फिर वहां जाके मैं चेकअप करा के दोनों बच्चों की हार्ट बीट सुन के आई हूँ, क्योंकि हमें ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हमें हल्की सी भी पूरा दिन अगर मूवमेंट भी फील ना हो ना तो भी टेंशन वाली बात होती है कि मूवमेंट क्यों नहीं फील हो रही है। और ये भी होता है अगर हमें मूवमेंट ज्यादा फील होती है एक दिन, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिन में 15 मूवमेंट फील हुई और अगले दिन हमें 3 या 4 फील हुई है, तो ये भी डर रहता है कि बच्चा बीमार तो नहीं हो गया, अंदर कुछ दिक्कत तो नहीं है, मूवमेंट क्यों नहीं हो रही। तो बहुत चीजें सोच समझ के इंसान प्रेग्नेंट जो होता है ना वो बहुत चीजों को सैक्रिफाइस करता है। तो प्लीज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी फेक वीडियोस मत बनाइए, हमारे नाम मत यूज करिए और ये सब गलत शब्द जो आप यूज कर रहे हैं अपने वीडियोस में मत यूज। कुछ लोगों ने तो बच्चों का नामकरण भी कर दिया है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा वो बच्चे कहाँ है, मुझे दिख नहीं रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चे तो हमारे अंदर ही है। बिल्कुल, आखिरी बार जाते जाते यही बोलना चाहूंगी, ऐसी फेक न्यूज मत बनाइए, बुरा लगता है, थोड़ी बहुत टेंशन भी हो जाती है कि ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं।